एक ही मकसद है कि हमारे गुलबर्गे ज़िले में शांति रहे, अमन रहे, किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने जो भी अभी तक काम किया है, चाहे वो 144 हो या किसी को वहाँ से यहाँ पे नहीं आने का आदेश हो या वहाँ पे फोर्स हो, जो भी किया है अभी तक, जो भी किया गया है वो शांति के लिए किया गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया गया है। इल्ज़ाम है कि पुलिस ज़बरदस्ती घरों में घुसकर कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया, इसके साथ साथ लेडीज़ को भी गिरफ्तार किया है। क्या इशू है मैडम, क्या मामला है जो इस ताल्लुक से इस तरह का मामला पेश आया है? आलंद में जैसे आपको पता है कि 1 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने स्टोन पेल्टिंग करी, पत्थरबाजी करी, जिसमें हमारे पुलिस वालों को चोट लगी, जिसमें डीसी उनकी गाड़ी के शीशे टूटे, मेरी गाड़ी एसपी की गाड़ी जो है उसको चोट लगी, तो वहाँ पे और जो जो भी गाड़ियाँ थी, कई सारी गाड़ियाँ को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके बारे में हमने एक केस रजिस्टर किया है, उसमें जो भी उसमें ज़िम्मेदार थे राइटिंग के केस में उनको कल गिरफ्तार किया गया है। राइटिंग के केस में अराउंड 165 165 लोग की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों को कल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैडम, इसके ताल्लुक से यहाँ बताया जाता है कि वहाँ पर दरगाह कमेटीज़ हो, अगर वहाँ मुस्लिम लीडर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि वहाँ पर 144 सेक्शन लागू करने के बाद वहाँ पर उल्लंघन किया गया है, जहाँ पर उस 144 सेक्शन के दौरान दिन निकाले हैं, तो इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल के बजाय सिर्फ क्या है, एक ही कम्युनिटी पर निशाना बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं मैडम? जी, ये मैं सुन रही हूँ 2 दिन से, यही कल और आज यही चल रहा है। जो कि लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। दोनों जिन्होंने भी उल्लंघन किया है, अंडर 188 सेक्शन ऑफ आईपीसी, तहसीलदार ने ऑलरेडी कोर्ट में कंप्लेन दाखिल कर दी है, बिकॉज 188 जो होता है उसमें कोर्ट में सीधे कंप्लेन दर्ज की जाती है। और ये दोनों जो हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो डीसी होते हैं, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उनके आदेश का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि तहसीलदार को भी एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, ही रजिस्टर्स ए कंप्लेंट और उन्होंने वो कंप्लेंट कोर्ट में रखी है और जो कि कोर्ट के को पहुँच चुकी है, कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है। तो दोनों तरफ से जो उल्लंघन हुआ है 144 का, उसमें जो कानूनी कार्रवाई करनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमने ये जो कार्रवाई की है, जिन्होंने भी राइटिंग की है, जहाँ वहाँ पे जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है, पुलिस लोगों को के ऊपर पत्थरबाजी की है, गाड़ियाँ तोड़ी हैं उनके ऊपर किया है, और उसके पहले भी एक दिन पहले 28th को हम लोग ने वहाँ पे जब पुलिस राउंड्स में थी वहाँ पे हमने देखा कि दरगाह के ऊपर कई सारे बहुत सारी टनों की तादाद में जो स्टोन्स जमा करके रखे थे। बगल में ही एक स्कूल है, दरगाह से सटा हुआ एक स्कूल है, उसके ऊपर भी टनों की तादाद में वो पत्थर रखे थे, उसके आसपास बहुत सारे पत्थर जमा करके रखे गए थे। साथ ही साथ बहुत सारी स्टिक्स जो होती हैं, जो लाठी होती हैं, वो भी हमको जमा हुई मिली हैं, बहुत सारी जगहों से, गाड़ियों से मिली हैं, तो वो भी सीज हुई हैं। वो 28 को एक दिन पहले ही प्रिपरेशन ये सब पहले से ही उन लोग ने कर ली थी, जो कि पुलिस को इंटेलिजेंस मिली और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करके एक दिन पहले ही ये सब सीज कर लिया, और इसीलिए स्थिति उतनी ख़राब नहीं हो पाई जो कि हो सकती थी जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी। तो पुलिस ने ये सब सीज कर लिया और इसका असर ये है कि आज आलंद में शांति है और आलंद में आज की डेट में अमन है। मैडम, जो टीम की जो डेथ हो गई है, तो आधी रात को पुलिस घर पे जाने से, तो कहा जा रहा है कि जो डेथ हो गई है पुलिस की वजह से हो गई है, कि आधी रात को जाकर दरवाज़ा खटखटा है, इसके जिम्मेदार पुलिस को ठहराया गया है। अच्छा, आधी रात मतलब क्या होता है, सुबह के 5-6 बजे आधी रात होता है क्या? नहीं, मैं आपसे नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज वी आर हैविंग अ हेल्थी डिस। सो पुलिस जो है वो आधी रात को नहीं गई, यही आपको बताना चाह रही हूँ। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आ जा पाए हैं, ताकि ये सारी जो मिसकंसेप्शंस और लोग रूमर्स अफवाहें फैला रहे हैं उसको हम आज ही डेट में विराम दे सकें। मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या अफवाहें हैं, उनको भी मैं बताती हूँ, उसका एक एक करके आपको आंसर दूंगी। पहली बात तो आधी रात गई नहीं,
ठीक है। तो और पुलिस ने बैठ के सारे वीडियोस देखे हैं, उनमें जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको जाके अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ है, और ये बिल्कुल भी आधी रात में नहीं हुआ है। और आप जो बता रहे हैं दो डेथ हुई हैं, तीन नहीं हुई हैं, वो भी एक अफवाह है कि तीन हुई हैं, और वो वहाँ पे भी हमने, क्योंकि जब हमें पता चला कि भाई पुलिस के कारण तो नहीं हुआ, बिकॉज ऐसा हमको अगर होगा तो देन वी विल इंश्योर दैट हमारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो, और हमारी तरफ से अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। बट जब वहाँ पे जाके पता किया गया और उनके वीडियो रिकॉर्डिंग किए गए उनके स्टेटमेंट के, तो क्लियरली कह रहे हैं कि पुलिस हमारे घर में नहीं आए, दोनों घर में पुलिस नहीं गई है। दोनों लोग, एक जो हैं वो करीब 80 साल के हैं, एक 45 साल की महिला हैं, उनको पहले से ही मेडिकल इश्यूज हैं और उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास हैं, और उनका ये कहना है कि पुलिस हमारे घर में नहीं आई और नहीं पुलिस हमको कुछ बोली है। आसपास वो देख के हम लोग उनको हो गया होगा ऐसा वो बोल रहे हैं, आसपास जो उनके घर के आसपास, जो कि पुलिस लीगली जिन्होंने वायलेंस किया है, जिन्होंने डीसी की गाड़ी डैमेज की है, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है, जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है, उनको लीगली हमने अरेस्ट किया है। और उसके उसमें उनका ये है ना कहना है कि हमारे घर में नहीं आए, मगर वो देख के उनको हुआ होगा ऐसा करके बोला है, जो कि हमने बोला कि अगर आपको कुछ भी संशय है आप पोस्टमार्टम के लिए भी हम तैयार हैं, मगर वो कोई आए नहीं, वो बोलते हैं हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके वो चले गए, ये हुआ। दूसरी अफवाह ये थी कि पुलिस ने बरियल के लिए नहीं छोड़ रहे थे, वो दूसरी एक अफवाह थी, क्योंकि वो भी गलत है। वहाँ पे हमारे आप जो कल जगत सर्कल में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके जो लीडर्स आए थे डीसी ऑफिस में हमसे मिलने, हमने उन्हीं को बोला, जिसमें नासिर हुसैन उस्ताद थे, जिसमें एसडीपीआई के कुछ लोग थे और कुछ लोग थे जिनका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, वो लोग आए थे, और उन लोगों को मैंने बोला आप जाइए, वो अपने लोगों को लेके वहाँ पे गए और उन्होंने देखा कि सब कुछ आराम से सब कुछ बरियल हो रहा था, कहीं पे भी किसी को भी कोई भी इशू नहीं आया बरियल करने में, दफनाने में। अब वो लोग खुद भी उस दफनाने के कार्यक्रम में हिस्सा होके नमाज पढ़ के वो वापस आए हैं। गलत काम हुआ है उसके अगेंस्ट पुलिस ने अरेस्ट जो किए हैं, उसको इस तरीके से गलत एक कलर दे के वो करने की कोशिश ना की जाए। जो गलत काम, हम लोगों को सबको खुश लगना होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो लीगली जो हो रहा है वही हो रहा है, उसको एक अलग तरीके से उसको रंग ना दिया जाए। जो मैडम वहाँ पर क्या है, जो अंदर जाने के लिए जो परमिशन जो दी गई थी 145, क्या दरगाह कमेटी से और दीगर लोगों से क्या बात वगैरह हो गई थी आने के लिए, क्या इनके दरमियान क्या एक देखिए एक्चुअली कमिटमेंट सामने आया था जी। एक्चुअली ये पहले ही डीसी ऑफिस में एक पीस कमेटी मीटिंग हुई थी, ये 5-6 दिन पहले ही हो गई थी, काफ़ी मतलब ये एक तारीख के एक हफ्ते पहले ही हो गई थी। उसमें सारे लीडर्स आए थे, सबसे बात हुई थी, सब लोग ने बोल दिया, सब लोगों की लाइक क्या बोलते हैं एवरीबडी अग्री टू दिस कि हम लोग 10 लोगों को अलाउ करेंगे करके, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि ऑलरेडी प्रतिदिन वहाँ पे एक कोई जोशी जी हैं, वो वहाँ पे शिवलिंग की पूजा करने जाते थे, वो फैक्ट है, वो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड और दरगाह कमेटी वालों ने भी एक्सेप्ट किया है। इनफैक्ट डीसी के पास ऐसे कागजात हैं जो कि वक्फ बोर्ड वालों ने ही दिए हैं, जिससे पता चला है कि दरगाह कमेटी वालों ने उनके फैमिली को, जो जोशी जी उनकी फैमिली को लैंड भी दिया है ऐसा करके, उनके पास कुछ कागजात हैं जो कि मेरे को बताया गया है। तो वो बहुत पहले से ही चल रही है, और उसके लिए हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी ली हर जगह से, दिल्ली में ये बैंगलोर में भी वक्फ बोर्ड के जो एक लॉयर हैं उनसे भी बात हुई, यहाँ पे भी लोगों से बात हुई, उन्होंने ये बोला अगर प्रेसिडेंस है, अगर वहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ हो रही है तो उसको रोका नहीं जा सकता लीगली, बट शांति के कारण, शांति मेंटेन करने के कारण हमने बोला कि बस 10 लोगों को अलाउ करेंगे, जो कि डीसी और एसपी का दोनों का एक जॉइंट डिसीशन था, इन विच फॉर विच ऑर्डर्स हैव बीन, और ताकि वहाँ पे शांति हो तो 144 भी लगाया गया। साथ ही साथ अगर कोई प्रोवोकेट ना करे, कोई प्रचोदनकारी स्टेटमेंट ना दे, इसीलिए 3 लोगों को वहाँ से आने के लिए रोका भी गया, जो कि आपको पता है। तो ये सारी जो हमारी तरफ से जो बैकग्राउंड होमवर्क होना था हम लोगों ने किया है, और उसके बाद जब उन्होंने बोला गया कि हमारी तरफ से भी 10 हिंदू आएंगे, तो वो भी माना गया, दरगाह कमेटी की तरफ से भी 10 हिंदू जो हैं वो लोग आए, वो लोग सब मिलके जाके पूजा करके आए हैं।
मैडम ये जो अरेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ मुसलमान ही को अरेस्ट कर रहे हैं? जिन्होंने राइटिंग की है उनके ऊपर अरेस्ट किया जाएगा, जिन्होंने भी राइटिंग की है, ओनली राइटिंग केस में अभी अरेस्ट हुए हैं। राइटिंग किसने किया है? अगर दोनों कमेटी के लोग कम्युनिटी के लोग हैं तो दोनों को करेंगे। प्लीज़ इसको आप कम्युनल कलर मत दीजिए, आप इसको गलत ढंग से पेश मत करिए, क्योंकि राइटिंग जिसने की है, द केस हैज़ बीन बुक्ड अंडर राइटिंग 353 पब्लिक डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। उसमें अगर जिसने भी किया है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, तो उसके ऊपर केस किया गया है। आप इसको इसी एक ही तरफ से क्यों देख रहे हैं? ये भी तो देखिए कि किसने किया है, जिसने किया है उसको किया जाएगा। ये दिस इज अबाउट वायलेंस, क्रिएटिंग वायलेंस एंड क्रिएटिंग वहाँ का जो शांति जो स्थिति थी तब तक बिल्कुल बढ़िया थी, उसको खराब जो हुए हैं, दैट वॉज वो एक इशू है। वायलेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। जो हिंसा है उसको किसी भी तरीके से हम बढ़ने नहीं दे सकते। यहाँ पर 144 सेक्शन के दौरान जो रैली निकाली गई तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर शांति को भंग करने की उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको वही बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, ये बार बार सामने रखा जा रहा है मुद्दा, तो वही आप समझाइए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए आप मेरे पास आए हैं और मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि पहली बात इसमें दो बातें हैं। पहली बात रैली, वो जो है घर के अंदर से उनको जो जैसे ही वो बाहर आए, जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहीं पे उनको रोक दिया गया है, उनको बस स्टैंड से आगे नहीं जाने दिया है। आपको आपके पास भी सारे रिकॉर्ड्स होंगे, आपके पास भी सारे फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ सबूत होंगे, वो नहीं गए हैं उसके आगे। तो रैली मतलब तो भाई वहाँ तक वो दरगाह तक गए थे क्या? वो उनको जैसे ही बाहर आए उनको वहीं पर रोक दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था, फिर से बताती हूँ कि इसमें जो 144 आदेश का उल्लंघन हुआ है उसमें 188 आईपीसी के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मतलब ये जो तहसीलदार होते हैं उन्होंने कोर्ट में एक कंप्लेंट दे दी है, बिकॉज ये जो 188 में डायरेक्टली कोर्ट के अंदर कंप्लेंट देनी होती है, जो कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेता है। ये बाकी जो एफआईआर होती है उसमें पुलिस कॉग्निजेंस लेती है, 188 में कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट संज्ञान लेता है, कोर्ट में डायरेक्टली देनी होती हैं ये। सो दोनों केसेस में जिसने वायलेशन किया है उसमें कोर्ट में ऑलरेडी ये दे चुके हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ये जो बोल रहे हैं एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, जो एक्चुअली लीगली जो एक्शन होना था वो हो गया है, एंड दैट इज़ हाउ एक्शन हैज़ बीन टेकन, ऐसा ही एक्शन लिया जाता है इसमें के साथ। और एक मैडम एक आरोप है यहाँ के पुलिस की जानिब से, जो मुस्लिम नौजवानों के बाद भी क्या है, लेडीज़ को भी अरेस्ट किया गया है, तो इनका क्या है मैडम? देखिए क्योंकि मैं भी वहाँ पे थी, अगर मैंने नहीं देखा होता, अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो फिर मैं मानती भी नहीं कि एक्चुअली वहाँ पे विमेन कितनी, उन्होंने क्या किया है। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दिस, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने नहीं आई हूँ और मुझे नहीं किसी एक कम्युनिटी को किसी बैड लाइट में प्रस्तुत करना है, दैट इज़ नॉट माई वर्क। आई एम हियर एज अ मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की ओथ लेके आई हूँ, ठीक है। अब आप उसके बारे में मुझसे डिटेल, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, आई विल नॉट टॉक अबाउट द विमेन एवर। महिलाओं ने जो किया है उसके बारे में मैं एक महिला होकर बताना नहीं चाहती हूँ पब्लिकली, बिकॉज ये सब लोग देखेंगे, मैं नहीं चाहती हूँ वो। आप चाहेंगे तो आप FIR देख लीजिए, उसमें सब कुछ डिटेल में है। अब तक पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 165। इसमें लेडीज कितने? नौ महिलाएं हैं। मैडम इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, शांति के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखिए पुलिस और जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमेशा आप सबका, हमारा एक ही मकसद है कि हमारे गुलबर्गे ज़िले में शांति रहे, अमन रहे, किसी को भी कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। हमने जो भी अभी तक काम किया है, चाहे वो 144 हो या किसी को वहाँ से यहाँ पे नहीं आने का आदेश हो या वहाँ पे फोर्स हो, जो भी किया है अभी तक, जो भी किया गया है वो शांति के लिए किया गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए किया गया है। हम लोग यहाँ पे जो भी करते हैं, वी नो कि हमारा बैक में क्या है, दैट इज़ ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड मैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल जैसे नहीं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ एक SP की तरह। आई एम सिटिंग हेयर एज एन IPS ऑफिसर, दैट्स इट, दैट इज़ माई ओनली आइडेंटिटी, एंड माई खाकी इज़ माई ओनली आइडेंटिटी, बाकी और कुछ आइडेंटिटी मेरे में नहीं है यहाँ पे एज एन ऑफिसर बैठ के, ठीक है। मैं लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ नहीं आप अफवाहें फैलाएं और नहीं आप अफवाहों पे विश्वास करें। बहुत लोग अपने कारणों के कारण गलत गलत बातें फैला रहे हैं,
और गलत गलत वीडियो बना के, मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे बरियल के बारे में हो गया या कोई भी, ये आपने जो बताया कि लोगों की मृत्यु, वो इतना ट्विस्ट एंड टर्न करके फैक्ट्स बताया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं भाई। जो रायट्स हैं उसी के ऊपर टारगेट किया गया, जो रायटिंग हुई है उसी के ऊपर हमने कार्रवाई की। दैट इज़ आर मेन इशू, वायलेंस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कोई भी अपने आप को इस तरीके से विक्टिमाइज ना समझे, विक्टिम ना समझे। जो भी एक्शन हुआ है दैट हैज़ हैपेंड एज पर लॉ, एज पर वी आर वेरी श्योर अबाउट द एक्शन दैट वी हैव टेकन, क्योंकि हम लोगों के हाथ में, हम लोगों को पता है कि हमने क्या किया है। कोई भी हमारे ऊपर लीगली, आप कोई भी बैठ के सारे प्रोपोगेंडा फैला सकता है, प्रोपोगेंडा का कुछ नहीं है, प्रोपोगेंडा फैक्ट्स नहीं देखता, मगर लीगली आज की डेट में कोई भी बता दे कि पुलिस ने कुछ भी एक गलत काम किया है, फैक्ट के बेसिस में काम नहीं किया, लीगली काम नहीं किया, तो जो भी हुआ है वो फैक्चुअली हुआ है, सब प्रॉपरली कानूनी तरीके से हुआ है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए हम सबका मकसद यही है कि हमारे ज़िले में शांति रहे, अमन रहे, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो किसी को, जो ऊपर बैठे हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं उनको कुछ नहीं होता, जो ठेले लगाते हैं, जो पान की दुकान लगाते हैं, जो कबाब बेचते हैं, जो पानीपुरी बेचते हैं, जो यू नो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, उनको दिक्कत होती है। जो डेली वेजर्स होते, जो मतलब रोज़ रोज़ के ले जाते हैं ना लेबरर्स, उनको दिक्कत होती है। तो और तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों में मत पड़ें, क्योंकि फाइनली नुकसान पब्लिक का होता है। मैडम अब क्या है अलन के अंदर, क्या 144 अभी जारी है वहाँ पर? 5 तारीख साढ़े 6 वहाँ पर। मैडम वहाँ पर क्या है जो पब्लिक में खौफ है कि चल लोग घर छोड़कर, अपने मकान छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, कई लोग यहाँ पर बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी डर है कि पुलिस अभी भी गिरफ्तार करने वाली है, तो ऐसे हालत में आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए जैसा कि मैंने बताया, हमने देखकर जिन्होंने जो वीडियो में आइडेंटिफाइड थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की है, जिन्होंने नहीं किया उनको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास प्रूफ्स हैं कि कौन कौन वहाँ पे था, क्योंकि हमारे हर जगह कैमरा पर्सन थे, उन लोगों ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तो जिसने गलती की है उन्हीं को डरने की ज़रूरत है ना, बाकी जिन्होंने नहीं की वो क्यों डरेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये समझिए कि जो भी हो रहा है इट्स फॉर पब्लिक पीस एंड ऑर्डर एंड इट इज़ फॉर एवरीवन, सो दैट हमारा आलंद में या हमारे ज़िले में कोई भी प्रकार की किसी को भी आगे की परेशानी ना हो। थैंक यू।